ये डेली इंटरेस्टिंग वीडियो कुछ ना कुछ लेके आता रहूँगा, भले ही हम ट्रैवल ना कर पा रहे हो अभी, और अभी सेफ भी नहीं है, तो इसलिए ट्रैवल तो कहीं नहीं करेंगे, बट हाँ किसी ना किसी तरीके से आपको एंटरटेन करने का ट्राई करते ही रहेंगे। प्लस इस चीज से ये ना सोचना कि अब ट्रैवल बंद कर दी, तो वो बस रीजन की वजह से बंद है, सभी को पता है कि अभी ट्रैवल कर ही नहीं सकते, तो उसकी बजाय हम कुछ ना कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि हाँ आप लोग भी इंटरेस्टिंग लाए और हम लोग भी उससे मतलब टाइम पास हो जाता है हमारा भी बड़ा अच्छे से, वीडियो बना के आपके साथ रोज, प्लस अपने व्यूज अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं, तो वो सब चीज़ें मतलब अच्छी लगती हैं एक तरह से आपसे, जैसे आपको वीडियो देखना अच्छा लगता है, मुझे आपसे को वीडियो दिखाना प्लस आपसे बातें करना वो अच्छा लगता रहता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, एंड ये है आज day 5 और डेट है आज 26 मार्च। आज हमने सोचा कि आज हम बोर होंगे ही नहीं, आज हम बोर नहीं होंगे, आज एक्चुअली कुछ न्यू कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, रूप छत पे बैठे हुए हैं इसीलिए इतनी रोशनी भी लग रही है, बादल हो रखे हैं हल्के हल्के, और शाम का टाइम है, शाम का टाइम करीब 4 बजे हैं, 4:30। तो आज हम कुछ नया कर रहे हैं, चलिए आपको दिखाता हूँ, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और होपफुल आपको एंजॉय भी आएगा, आपको मज़ा भी आएगा, वीडियो को पूरी देखना और आखिर में कमेंट करके भी बताना आपको कैसा लगा ये वीडियो, और इन दोनों में कौन जीता, ये दोनों का कुछ कंपटीशन करा रहा हूँ मैं एक्चुअली पेंटिंग का, तो दोनों का बताना भी कौन जीता, ये जीता या ये जीता, ये शायद फ्रेम में नहीं आ रहा है, दूर चला गया ये, मम्मा ही जीतेगी क्योंकि मम्मा की ड्राइंग मतलब ऐसी है, मतलब पहले ही हिम्मत हार ली, पहले ही हिम्मत हार ली, अरे नहीं क्योंकि मेरी ड्राइंग तो कार्टून के ऊपर है ना, कार्टून की कोई दिक्कत नहीं की हो रही है ना, कार्टून तो पहले हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और दिखाता हूँ आपको पूरा, ये इनकी ड्राइंग वगैरह कुछ कर रहे हैं ये, तो ये दोनों कर रहे हैं ड्राइंग की कॉम्पिटिशन, ये भी कुछ बैठा हुआ है और इधर ये भी अपना कुछ ना कुछ बनाने का है इनको दोनों को, वो तो थे नहीं इसके जो ये कलर्स पड़े थे पेंटिंग कलर्स और ब्रश थे नहीं, तो पता है मैंने ये अपना मेकअप ब्रश यूज कर रखा हुआ है और ये हेयर डाई ब्रश, और पहले मैं अपनी ड्राइंग दिखा देता हूँ मैं क्या बनाने वाला हूँ, और ये क्या बनाएगा, ये कुछ इस तरह का ये बना रहा है गोकू कुछ कार्टून, हाँ गोजीता कार्टून है कुछ, ड्रैगन बॉल जी, और ये इसका पेपर है, तो अभी दोनों का देखते हैं कैसे कौन जीतेगा, और आखिर में आप वोट करके बता देना कमेंट में कौन ज्यादा मतलब अच्छा बनाया किसने, और ये हूँ मैं अभी छत पे और चारों तरफ का मौसम बड़ा मस्त हो रहा है, तो चलो अभी आपको दिखाता हूँ सीधा पेंटिंग। पेंटिंग ऑलमोस्ट इनकी डन हो चुकी है दोनों की, और काफ़ी टाइम लगा, लगभग 1.5 घंटा हो गया है इन्हें पेंटिंग करते करते, और दोनों अभी लगे हुए हैं, थोड़ा सा वर्क रहा है उसका, तो अभी मैं फाइनल आपको दिखाऊंगा कैसी है पेंटिंग दोनों की, और अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है, 1.5 घंटे में मतलब पता ही नहीं चला कि कितनी जल्दी से स्पेंड हो गया है, तो आप लोग भी एक्टिविटीज़ कर सकते हो अगर बोर हो रहे हो घर पर, तो छोटी मोटी सही बच्चों बचपना थोड़ा सा याद आ जाता है इन सब को कर कर के, तो अभी उन दोनों से ही बात करूंगा आपकी कैसा उनको लग रहा है। सो गाइस फाइनल प्लान रेडी है, ये बनाया है गोचीटा अक्षु ने, सुपर फैन गोचीटा जो कि अक्षु ने बनाया, इस तरह का कुछ है और फुल बॉडी लुक इस तरह से आप देख सकते हो थोड़ा सा, और अभी अक्षु इसके बारे में बताएगा, क्या बताना चाह रहा है बोल। ये ड्रैगन बॉल का करैक्टर है, गोकू और वेजिटा का फ्यूजन, और ये है सेकंड पेंटिंग, अब सेकंड पेंटिंग है, सबसे पहले एक मैसेज दिया है इसमें हमने, स्टे सेफ स्टे होम, और ये कुछ इस तरह की है, तो एक पेड़ है, पेड़ के पास एक बच्चा बैठा हुआ है जो झूल रहा है, और क्या सोच के बनाया है ये मोनिका बताएंगी आपको।
ये एक्चुअल में चेरी ब्लॉसम ट्री है और इसमें शाम हो रही है और ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया. आई यूज़ टू डू पेंटिंग जब मैं 10th क्लास में थी, मतलब मैं बहुत पेंटिंग करती थी. कैसा अभी लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. बचपन याद आया? हाँ, पर ये वाला टाइप मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया. इससे पहले मैंने ऐसे टाइप की कभी पेंटिंग नहीं बनाई थी. मेरे पास था लाइक जो लाइक फूल पत्तियाँ जो बनाते रहते हैं हम, वो वाला था मेरे पास. पता नहीं क्या कहते उसको, मुझे याद नहीं रहा अच्छे से. तो ये दोनों एक तरह के कुछ लग रहे हैं एक साथ में. ये है जो कंप्लीट लुक आ रहा है. आप देख के बताना कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसमें, और एक मैसेज भी देना इससे कि स्टे सेफ स्टे होम का जो आजकल कोरोना वायरस की वजह से चल रहा है. तो आप भी कमेंट करके बताना कि कौन सा ज़्यादा बेटर लग रहा है, मोनिका वाला या फिर अर्शदीप वाला. हे गाइस, तो होप करता हूँ आपको जो है पेंटिंग अच्छी लगी होंगी. और पेंटिंग कमेंट में बताना, जो वो कार्टून वाली थी वो इसकी थी अक्षु, और जो दूसरी थी वो ट्री वाली वो मोनिका की थी. तो नाम लिख के आप बता सकते हो कौन सी ज़्यादा पसंद आई आपको, और कमेंट करना वीडियो को. और इस वीडियो से हम एक मैसेज भी देना चाह रहे थे आपको कि स्टे सेफ एंड स्टे होम. तो और कैसे आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो घर पे, घर पे आप कैसे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो. जरूर होगी, जैसे हम लोग की पेंटिंग है तो आपकी भी कोई ना कोई हॉबी होगी. तो और इनको अपना बचपना भी याद आया इस चीज़ से. तो ये चीज़ें मतलब रोज रोज नहीं करने को मिलती हैं जब हम बिजी हो जाते हैं अपने डेली लाइफ शेड्यूल में. तो अब टाइम मिल रहा है तो उसमें एंजॉय करो ये चीज़ें. जब मैं 10th क्लास में थी तब मैं बहुत ज़्यादा पेंटिंग करती थी, और तब मुझे बोर्ड एग्जाम्स में 80 मार्क्स मिले थे पेंटिंग में. और यूपी बोर्ड में 80 मार्क्स मिलना तो मतलब मुश्किल बात होती है. क्यों, यूपी बोर्ड में क्या होता है? थोड़े कम मार्क्स मिलते हैं. तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय. Till then, take care. Bye bye. Bye.